आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम गुनेगार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। देश में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हत्या, दबंगई, लूट, किडनैपिंग तो मानो आम सी बात हो गई है। अपराधियों में तो पुलिस का भय पूरी तरह से खत्म होता दिखाई दे रहा है। लगातार ऐसे हैरत अंगेज मामले सामने आ रहे हैं जिन पर विश्वास करना बेहद कठिन है। और ऐसे ही कुछ चुनिंदा हैरान करने वाले मामलों को लेकर हम आते हैं हर रोज आपके पास। इस शो का मकसद आपको जुर्म की दुनिया के खौफनाक अपराधियों से मिलाना है, जिससे सबक लेकर आप सावधानी बरत सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। चुनावों से पहले सभी पार्टियां महिलाओं की सुरक्षा को अपना चुनावी एजेंडा बना चुकी हैं। प्रदेश की तत्काल सरकार भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम कदम उठा रही है, लेकिन अगर अपना ही दामन दागी हो, कितना भी कदम उठा लो, सब फर्जी साबित होता है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है ये पूरा मामला हमारी इस खास रिपोर्ट में। शादी की खौफनाक सच्चाई जिसने पत्नी की नींद उड़ाई, पहली पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर दूसरी पत्नी से रचाई शादी। सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करे या सुरक्षा की बात करे, पर कहीं ना कहीं अब भी इन मामलों में कोई कमी नहीं आ रही है। लगातार महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा भी होती है और उनको प्रताड़ना भी किया जाता है। ऐसा ही मामला जनपद जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र का है, जहाँ पर एक महिला की जब दूसरी शादी की गई, उसके बाद उस पति ने उस महिला को लगातार मारना पीटना शुरू कर दिया और स्त्री यहां तक पहुंची कि वो महिला न्याय मांगने पर मजबूर हो गई। भूले नहीं है हम आज भी वो निर्भया कांड, जिसमें दरिंदों ने बेटी का क्या हाल किया था, जिसके बाद कई कानून बने, कई कानून लागू तक किए गए, लेकिन सिर्फ कागजों पर। आज भी बेटियां हो या महिलाएं, प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है। अक्सर ऐसे मामले तो सामने आ जाते हैं, लेकिन उस घरेलू हिंसा का क्या जिसकी शिकार आज भी महिलाएं हो रही हैं, लेकिन समाज और परिवार की झूठी शान में चुप रहने को मजबूर है। जब एक बेटी की शादी होती है तो पिता यही सोचता है कि उसकी बेटी शादी के बाद एक सुखद और वैवाहिक जीवन बिताएगी, और एक बेटी भी यही उम्मीद करती है कि उसके पति में उसको अपने पिता की छवि दिखेगी। इसी सोच में बेटी अपना घर तक छोड़कर एक ऐसे अनजान घर में जाने के लिए राजी तक हो जाती है जिसको वो जानती तक नहीं है। उस परिवार को भी अपना लेती है, लेकिन उसके बावजूद कई परिवार उस लड़की को नहीं अपना पाते। कहते हैं बहू हो या बेटी, सब बराबर होते हैं। जब बहू घर में आती है तो यही कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है, फिर क्यों उस लक्ष्मी का ऐसा हाल किया जाता है। एक ऐसा ही मामला जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक महिला की शादी संतोष सिंह राठौर से हुई। खास बात तो ये है कि वो युवक भाजपा का नगर मीडिया प्रभारी है, जिसकी दूसरी शादी निधि नाम की युवती से हुई। शादी से पहले युवती में थोड़ा डर था कि उसकी दूसरी शादी हो रही है, लेकिन जैसे जैसे शादी की तारीख करीब आई, निधि में ये डर खत्म सा हो गया। दोनों की शादी हुई। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों एक पति पत्नी के रूप में सुखमय जीवन बिता रहे थे। लेकिन लड़की को क्या पता था कि जिस जीवन को वो सुखी समझ रही है, वो आगे कितना डरावना होने वाला है।
कुछ ऐसा भी होगा इस शादी में, उसने कभी ये कल्पना भी नहीं की होगी कि वो शादी जो सातों जन्म तक पति पत्नी को एक धागे में बांधे रखती है और जिस पति के साथ वो जिंदगी बिताने का सपना देख रही है, वो पति ही कुछ ऐसा करेगा जिससे सात जन्म तो क्या, सात दिन भी रहना दूभर हो जाएगा। आइए आपको ले चलते हैं पहले साल 2006 में, जब मीडिया प्रभारी साहब अपनी पहली पत्नी के साथ रहते थे। तब उनकी पहली पत्नी से उनका एक बेटा और एक बेटी थी, लेकिन अचानक एक दिन उनकी पहली पत्नी की मौत हो गई, जिसके बाद उसने निधि को अपनी दूसरी पत्नी के रूप में अपनाया। लेकिन जैसे जैसे निधि और संतोष का वैवाहिक जीवन आगे बढ़ने लगा, संतोष का रवैया अपनी दूसरी पत्नी के लिए भी बदलने लगा। सर, मैं मैडम के पास आई थी, सब जगह मैं गई, मैं सर मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है, इसलिए मैं मैडम के पास हताश होकर आई थी कि शायद वो महिला हैं तो मेरी गुहार सुने, क्योंकि मैं मेरी शादी 2009 में संतोष सिंह राठौर नगर मीडिया प्रभारी कालपी से हुई थी सर। 9 बीजेपी के सर, और 9 से आज तक सर मुझे बहुत परेशान करते, मारपीट करते हैं। उनके पास लाइसेंस ही बंदूक भी है, तो कई बार मुझे बंदूक की बट से भी बहुत मारा। 2015 में इनको जेल भी हुई थी, क्योंकि मैंने 100 नंबर डायल किया अपनी रक्षा करने के लिए, तो इनकी बंदूक भी जमा हो गई थी। 3 दिन की जेल भी हुई थी, फिर सभी लोगों ने इनको जमानत करवा लिया, फिर इनकी बंदूक वापस भी आ गई। इसके बाद इनको यही घमंड है कि हमारा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे तुम कहीं भी जाओ, क्योंकि ये बीजेपी के नगर मीडिया प्रभारी हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि इन्होंने 2006 में अपनी पत्नी लक्ष्मी से शादी, मतलब इन्होंने क्या किया था, षड्यंत्र के तहत अपनी पत्नी को मार दिया था। तो इनकी पहली पत्नी के 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। लड़की की शादी 2014 में हो गई थी और लड़का अब इस समय 17 साल का है। तो अब लड़की, और जब मेरी शादी 9 में हुई थी तो बच्चे नाबालिग थे, हम खुद परेशान रहते थे, मारपीट करते थे। मेरे मायके वाले अगर साथ ना देते तो आज हम कब मर गए होते। अब वहीं प्यार धीरे धीरे तकरार में बदलने लगा और तकरार कब हिंसा बन गई ये उसको पता ही नहीं चला। आखिर निधि को क्या पता था कि एक बार हिंसा को सहना रोज की आदत हो जाएगी और ये हिंसा मारपीट तक पहुंच जाएगी। हिंसा करना जितना गलत होता है, उतना ही हिंसा को सहना भी गलत है। अब रोजाना भाजपा के नगर मीडिया प्रभारी संतोष सिंह राठौर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगे। शराब पीकर अब वो निधि के साथ मारपीट करने लगे। गाली गलौच और मारपीट अब निधि की जिंदगी का हिस्सा बन गया। हर दिन की मारपीट से तंग आकर आखिरकार निधि ने आर पार करने का फैसला लिया। अब वो हिंसा से तंग आकर लोक लाज का डर छोड़कर आखिरकार पुलिस के पास पहुंच गई। लेकिन उसकी लड़ाई अब पहले से ज्यादा कठिन हो गई, क्योंकि अब तक घर के अंदर दबा मामला आखिरकार दहलीज को लांघ कर बाहर आने वाला था। जिसके बाद वो न्याय के लिए थाने जा पहुंची, लेकिन प्रदेश और केंद्र में दोनों ही जगह भाजपा की सरकार है, तो सत्ता की हनक होना मीडिया प्रभारी साहब में भी लाजमी था, जिसके बल पर वो हमेशा कानून के शिकंजे से बच निकलने में कामयाब हो जाते। जितनी बार वो जेल जाता, उतनी ही बार वो बचकर बाहर निकल आता और हर बार से ज्यादा खूंखार रूप में
अपनी पत्नी पर जुल्म करता और उसको मारता पीटता। मैं जब 2012 में इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तब मैं कानपुर में जाके अपने भाई के पास आश्रय लिया, वहाँ रही, दर दर की ठोकरें खाई, मैंने नौकरी की करके अपना पेट पाला। और जब लॉकडाउन में मेरी नौकरी छूट गई, यहाँ पे आई तो फिर से वही दशा कर रहे हैं कि यहाँ से मैं तुझे रख नहीं पाऊँगा, खर्चा नहीं दे पाऊँगा, जहाँ तुझको जाना चली जा। इसलिए सर मैं बहुत हताश हो गई, परेशान हो गई, क्योंकि मेरी एक महिला की कोई भी मदद करने को तैयार नहीं हो रहा है। मैं हमको न्याय चाहिए, हम अपने पति के खिलाफ मुकदमा लिख पाएंगे, क्योंकि उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। 9 में शादी हुई, इसके बाद जब मैं गर्भवती हुई तो इन्होंने मारपीट करके ज़बरदस्ती 5 महीने का मेरा गर्भपात भी करा दिया था। लेकिन इस बार पुलिस से तंग आकर आखिरकार निधि राठौर ने भी सोच लिया था कि वो हार नहीं मानेगी और अपनी आवाज बुलंद करके ही दम लेगी। हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने और पति का काला चिट्ठा खोलने इस बार वो डीएम के दर्जा पहुंची और न्याय की गुहार लगाने लगी, जहां रोते बिलखते उसने डीएम से अपनी आप बीती सुनाई। इक्कीसवीं सदी का भारत तेजी से तरक्की कर रहा है, लेकिन आज भी घरेलू हिंसा देश में एक बड़ी समस्या है। सरकार के साथ साथ कई सामाजिक संगठन भी इसके रोकथाम के लिए कदम उठा रहे हैं, लेकिन आज भी इस तरह के मामलों की संख्या देश में बहुत ज्यादा है। NFHS द्वारा जारी किए गए 11 राज्यों में 3 केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़ों से पता चलता है कि घरेलू हिंसा के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है तो यूपी दूसरे नंबर पर। वो महिला जिसको लगातार मारा जा रहा था, उसका कहना है कि जो जिस इंसान से उसकी शादी हुई है वो पहले से ही विवाहित था और कहता था कि मेरी पत्नी की मौत हो चुकी है, पर जिस तरह है वो अब मार खा रही है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके साथ घरेलू हिंसा की जा रही है, उसको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि उसका पति है, उसकी पहली पत्नी की जो मौत थी वो केवल मौत नहीं थी, हो सकता थी वो हत्या भी हो सकती थी, हो सकता है वो हत्या ही हो, क्योंकि जिस तरह से उसको आज प्रताड़ित किया जा रहा है, शुरुआत में सब कुछ अच्छा रहा पर आज वो घरेलू हिंसा की बुरी तरह शिकार है और इसके लिए वो लगातार कानून के दर पे भी गई पर उसको न्याय नहीं मिला। वो आखिर में थक हार कर वो DM के पास पहुंची है, उसने अपनी अर्जी बताई है, अपनी आपबीती बताई है। फिलहाल इस मामले में फैसला कब तक आएगा, कब उस महिला की सुनवाई की जाएगी वो तो वक्त बताएगा, पर ये बात तो साफ है कि अब भी हम अगर बातें हजार कर लें, दावे हजार कर लें, पर कहीं ना कहीं महिला मामलों में अब भी हम पीछे और पिछड़ते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम TV। घरेलू हिंसा जितनी शारीरिक चोट पहुंचाती है उससे कहीं ज्यादा जख्म मानसिक रूप से भी पहुंचते हैं, जिससे निकलने में कई साल बीत जाते हैं। लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद अब सवाल उठता है कि 2006 में पहली पत्नी की वो हत्या हुई थी या वो मौत थी। अगर दूसरी पत्नी के परिजन थोड़ा सतर्क हो जाते तो उसको इन यातनाओं से ना गुजरना पड़ता, जिसकी अब वो शिकार हो रही है। तो चलिए इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही और बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। किसी भी लड़की के लिए शादी उसके जीवन की नई शुरुआत होती है। शादी दो सिर्फ लोगों का मिलन नहीं होती बल्कि दो परिवारों का भी मिलन होता है। शादी के बाद महिला की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके पति की ही होती है, पर अगर क्या हो कि पति अपनी ही पत्नी को दरिंदों के हाथों सौंप दे। दरअसल ऐसा ही कुछ हुआ है इटावा जनपद में। क्या है पूरा मामला, जानिए इस खास रिपोर्ट में। सुहाग रात पर दुल्हन से धोखा, की गोलियों को बनाया हथियार, दुल्हन को सौंपा दरिंदों के हवाले, पति ने दोस्तों संग बनाया हवस का शिकार, शादी का घर जहां शादी से जुड़ी रस्में चल रही थी
ससुराल में नई दुल्हन के आने पर नाच गाने के साथ खुशियां मनाई जा रही थी। नई नवेली दुल्हन भी ससुराल में मिल रहे प्यार से बेहद खुश थी, पर दुल्हन को क्या पता था कि उसकी खुशियों को किसी की नजर लगने वाली है। शादी की वो पहली रात नवविवाहिता तमाम सपने संजो रही थी, पर इस बात का उसे जरा भी अंदाजा न था कि उसका ही पति, जिसने अपनी पत्नी की सुरक्षा का वचन दिया था, वही महिला के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार करने वाला है। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद से सामने आया। नवविवाहिता को सुहागरात के दौरान नशीली दवा खिलाकर उसके साथ बलात्कार किया गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने 29 नवंबर को अपनी बेटी की विदाई कर ससुराल भेजा था, लेकिन ससुराल में पति और उसके दोस्तों ने मिलकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही नवविवाहिता के साथ मारपीट की गई। जब लड़की की हालत खराब हो गई तो उसे अस्पताल में भर्ती कराकर फरार हो गए। वहीं इलाज के दौरान डॉक्टर ने बताया कि नवविवाहिता के इंटरनल पार्ट्स में इंजरी आई है, उसकी हालत बेहद खराब थी, फिलहाल इलाज चल रहा है। साथ ही उसके शरीर में चोट के निशान भी मिले हैं। सारे में एक महिला भर्ती हुई जिसके साथ शादी के दिन मारपीट और रेप की मामले दर्ज हुआ है, मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या कंडीशन है उसकी अभी? मरीज तो ठीक है और अपना खा पी रही है और उसका इलाज चल रहा है, एंटीबायोटिक्स चल रही हैं और थोड़ा उठने में थोड़ी उसकी तकलीफ है, बैठ पे है। किसी तरह की इंजरी वगैरह, चोट के निशान? हाँ, उसके अंदरूनी पार्ट पर निशान थे, चोटें थी और मरीज जब लाई गई थी तो ब्लीड कर रही थी, तो उसको हमारी डॉक्टर ने उसको स्टिच किया और अब सब ठीक है। अच्छा, जैसे कि उस महिला ने आरोप लगाया है कि मतलब अपने पति पर उसका गैंग रेप हुआ, तो क्या अभी कुछ डॉक्टरी उसमें मेडिकल प्रूफ हुआ ऐसा कुछ? क्या नहीं, इसमें इंजरी में तो देखिए हम ये प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है या खाली उसके पति ने किया है। हम खाली यही प्रूफ करके बता सकते हैं कि उसके साथ जबरदस्ती हुई है, मतलब इंजरीज हैं उसको। मतलब इसके आप बताएं रिपोर्ट आनी बाकी है? हाँ, अगर ये गैंग रेप हुआ है क्या हुआ है वो तो जो स्लाइड पे रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से पैथोलॉजिस्ट बताएंगे कि क्या मामला है। गर्भधारण की बात चल रही थी, क्या अभी उसकी कोई जांच कराई गई है? हाँ, अभी आज मरीज की हालत बेहतर हुई है तो अब उसका अल्ट्रासाउंड कराया जाएगा, उससे ही क्लियर कट हो पाएगा कि गर्भवती है कि नहीं है। पुलिस के अनुसार विवाहिता के पिता ने तहरीर दी थी कि उनकी बेटी के साथ पति ने गलत काम करके उसके साथ पूरी तरह मारपीट की वारदात को अंजाम दिया है, इस पर मामला पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी फिलहाल जांच में लगे हुए हैं, तथ्यों की जांच के बाद ही कार्रवाई होगी। के मुताबिक 28 नवंबर को उसकी शादी चौबिया के पास एक गांव में हुई थी। 29 नवंबर को जब उसकी विदाई हुई तो ससुराल पहुंचने पर खूब नाच गाना हुआ और कंगन खोलने की रस्म भी की गई। वहीं शाम को जब वह थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रही थी तो उसके पति ने उसे नशीली दवा खिला दी। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए बताया कि नशे की हालत में रात के समय उसके पति और कुछ लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया और जिसके बाद जब उसने उस पूरे मामले पर सफाई मांगी तो उसके साथ मारपीट की गई। वहीं जब पीड़िता की हालत बिगड़ने लगी तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और ससुराल वाले मौके से फरार हो गए। मैडम, आपके साथ क्या बात हुई, क्यों भर्ती हैं आप यहाँ पर, पूरी बात बताइए। हमारे साथ ये हुआ कि पहले दिन 29 नवंबर को विदा हो गई थी हमारी है और मैं घर पे गई, खूब
घर पे गई कंगन अंगन छूटा, गांव में गई मंदिर अंदर के पाया छुए, संजा के ढोलक उलक बजी, गाना बजाना हुआ, मैं नाची कूदी और मैं नाची कूदी। 9:30 बजे बाद मैं भी अंदर चली गई सोने के लिए, मैंने खाना ना खाया और जाके मैं सो गई। मेरे सर में दर्द, मैंने कहा मेरे सर में दर्द हो रहा है, उन्होंने मुझे प्यार से गोली खिला दी, मैं जानी नहीं, उन्होंने पानी पिला दिया, मैंने कहा मैं सो रही हूँ, वो भी सो गए, उन्होंने भी एक गोली खाई थी, मैंने कही कौन सी गोली खाई मुझे बताओ, मैं सो गई। फिर सोने के बाद पता नहीं क्या हुआ, हमारे साथ 12 बजे मेरी आँख खुली, मैंने किसी को करते हुए देखा, मैंने पूछा उनसे, उन्होंने बताया नहीं, मुझे मारने लगे, पीटने लगे, इल्ज़ाम लगाने लगे और चले गए मम्मी को लेवाने। मम्मी को लेवा के ले, मम्मी देखो कैसे इल्ज़ाम लगा रही है, मैंने इसे छुआ तक नहीं है और इल्ज़ाम लगा रही है मुझ पर, और कहने लगे इसके 4 महीने का बच्चा आएगा, मुझे परेशान करने, मुझे मारने लगे। मम्मी आई बचाने, मम्मी को धक्का दिया और मुझे मारने लगे और कहने लगे कि बच्चा, सवेरे मम्मी के 6 बजे फ़ोन किया मेरे ससुर ने, किया कि इनके बच्चा है 5 महीने का, मम्मी से कह दिया 5 महीने का बच्चा है, और हमारे देवर ने फ़ोन किया कि मम्मी इनके ऐसी ऐसी हालत है कि इनके ब्लड चल रहा है, और मैं तो होश में नहीं थी, मैं 2 दिन तो बेहोशी बनी रही, बेहोश की हालत में रही, मैंने क्या कहा क्या सुना मुझे तो कुछ पता नहीं, और रात के चीज जितनी जेवर पहनी थी मैं सब उतार लिया, मुझे मैक्सी फटी मैक्सी पहना दी गई, पहना दी मैक्सी, और मुझे फिर उसका तो पति के साथ आपके और भी कोई लोग थे क्या? हाँ, 2 लोग थे उनके साथ। आपने क्या देखा था? हाँ, हमने करते हुए देखा, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बताया नहीं मुझे। कमरे में 3 लोग थे आपके पति के साथ? हाँ। तो क्या क्या लग रहा था आपको, मतलब क्या कुछ आपके साथ गलत काम किया उन्होंने? हाँ, गलत काम किया है हमारे साथ उन्होंने, और वो बता नहीं रहे, मैं पूछती रही उनसे कुल देर तक, तो मैं 1-2 घंटे तो मैं पूछती रही, उन्होंने बताया नहीं, मुझे मारने लगे, भगाने लगे, घर से निकल जा, जा रास्ता डरी है, हमने मैं क्यों निकल जाऊँ, मेरे माँ बाप आएंगे, हमारे ताऊ आएंगे, बीचमानी आएंगे, तो हम निकलेंगे घर से, हम नहीं जाएंगे, हमें चाहे तुम घर में रात भर मार डालो तो हम घर से निकल के नहीं। उन्होंने ये सोचा ये घर से निकल जाएगी तो इस आरोप लगा देंगे कि चीज बत्ती लेकर भाग गई है, अभी अभी विदा हुई है इसकी, इसीलिए पहने थी, मैंने उतारा नहीं और ये लेकर भाग गई। वहीं पीड़िता की मां ने बताया कि 28 नवंबर को बारात आई थी, 29 तारीख को विवाहिता की विदाई की गई और उसके बाद बेटी के साथ ससुराल वालों ने जमकर मारपीट की गई। लड़की को इतना मारा गया कि वो बेहोश हो गई। अस्पताल में भर्ती कराकर ससुराल वाले मौके से भाग निकले। पिटाई से लड़की की बच्चेदानी तक फट गई है। बिटिया की 28 नवंबर को शादी हुई, 29 तारीख को विदा हो गई। विदा हो गई उसके बाद खूब गाना बजाना हुआ घर में, अच्छी तरीक़ा से खाए पिए शाम को। फिर लड़की ने कहा मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो उसको गोली एक मुंह में खिला दिया नशे की, आदमी ने इसके लड़का ने, तो गोली खिला दिया, लड़की बेहोश हो गई। उसके बाद लड़की सो गई, अरे उसके बाद जब लड़की को होश आया और लड़की एकदम अलस्त पलस्त खून में एकदम थी, सो फिर लड़का से लड़की ने पूछा कि ऐसा ये कैसे हुआ, सो लड़का बोला तेरे 4 महीने का बच्चा है पेट में, ऐसे ऐसे हुआ, उसको मारा पीट करके भगाने लग गया घर से। ये आरोप लगा है कि गर्भवती है इस मारे, तो इसमें और भी कोई 2 लोग शामिल थे? हाँ, और 2 लोग भी करे एकदम भाग गई, जैसे मेरे को होश आया 2 लोग भागते, हमने कमरा में से देखा, मुँह बांधा था। भर्ती उसके बच्चेदानी में चोट आई है, शरीर पूरा फटा है, चोट है, उठ नहीं पा रही है, पूरा ब्लड शरीर का निकल गया। जिस से मारपीट की? बेड की पार्टी से, दहेज में बेड मिला था, बेड की पार्टी से। शादी स्वागराती ये सब कर दिया स्वागराती के दिन। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा मिली और मेरी लड़की को इंसाफ मिले। पुलिस कार्रवाई कर रही है। वही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि थाना एकदल थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती का विवाह थाना चौबिया में हुआ था। उसके बाद जब अपने ससुराल पहुंची तो उसके ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की है। फिलहाल पीड़िता के पिता ने तहरीर लिखित में दी है, मामला पंजीकृत कर लिया गया है, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जांच में जुट गए हैं, मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है जिसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एक दिल क्षेत्र की एक लड़की की शादी चौबिया थाना क्षेत्र में हुई थी, ये शादी 28 को हुई थी और 29 तारीख को विदा होकर के अपने
ससुराल गई और ससुराल में जाने के बाद फिर अगले दिन वो दिव्यांशी हॉस्पिटल में एडमिट हुई। इसके बाद सरकारी अस्पताल में आई, वहाँ डॉक्टर द्वारा एक मेमो दिया गया कि लड़की जो है अपने साथ गलत काम का आरोप लगा रही है। इस मेमो पे इगदिल थाने वाले गए और चौबिया थाने वाले जा करके इसकी जांच की। मौके पर COSFI भी गए थे, SPRA भी गए थे। इसमें तथ्य निकल के आया जो तहरीर प्राप्त हुई, लड़की के पिता के द्वारा दिया गया था कि लड़की शादी के बाद गई थी और उसके पति द्वारा गलत काम किया गया और उसके साथ मारपीट की गई। इस पर थाना चौबिया पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आगे इसकी जो है कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो भी तथ्य निकल करके आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। शादी के बाद अपना जीवन साथी आपके हर सुख दुख के में साथ निभाने का वादा तो करता है, पर अगर साथी ही आपको अपराध के काले अंधेरे में धकेल दे, ऐसे में आप किस पर विश्वास करेंगे, ये कहना अपने आप में कठिन हो जाता है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार ऐसे मामलों में सख्त रवैया अपनाए जिससे इन सब तरीके की घटनाओं पर रोकथाम लग सके। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ दिल दहला देने वाली घटनाओं के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।